ईएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, यूपी तक डॉट इन ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में बीती 3 मई को मरीज देखने को लेकर डॉक्टर अंशु मिश्रा और डॉक्टर आशा सचान के बीच लेबर रूम में धक्का मुक्की और मारपीट हुई। इस दौरान एक वीडियो बना जिसमें लेबर रूम में एडमिट कुछ महिलाओं की प्राइवेसी भंग हुई। वो वीडियो तो हम आपको किसी भी हाल में नहीं दिखा सकते क्योंकि यूपी तक किसी भी सूरत में किसी महिला की निजता भंग नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो लेबर रूम का है तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ महिलाओं को वीडियो में लेकर कितना घिनौना काम किया गया है। ये मामला जब मीडिया की सुर्खियां बना तो उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इसका संज्ञान लिया और अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर भी अस्पताल पहुंची, जहां जांच के दौरान एक महिला चिकित्सक ने अपने आप को मंत्री का रिश्तेदार बताकर उन्हें दबाव में लेने की कोशिश की। सुनिए पूनम कपूर और उस डॉक्टर के बीच की बातचीत। वही लेबर रूम में दो डॉक्टर्स के बीच हुए झगड़े और इस दौरान लेबर रूम के अंदर का शर्मनाक वीडियो वायरल होने के मामले में जांच करने पहुंचे अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सहित महिला आयोग की सदस्य ने जांच के बाद ये नहीं बताया कि लेबर रूम का शर्मनाक वीडियो वायरल करने के पीछे या फिर झगड़े के पीछे असली वजह क्या है, कौन दोषी पाया गया, साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या होने वाली है। सुनिए क्या बोले डॉक्टर नरेश सिंह। ये मामला जो भी हुआ वो खेदजनक है, संवेदनशील है, इसके बारे में जो भी घटना हुई है उसके लिए हम सभी खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई हो। अस्पताल के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेबर रूम तक कैमरा कैसे पहुंच गया? बाहर तो अलाउ नहीं सर, बाहर मना कर देते हैं। प्रथम दृष्टया कौन दोषी है इसमें? अभी सर खुद मना करती हैं कि अंदर नहीं जाइए, अभी बयान ले लिए गए हैं, अब इनको विवेक स्वयं ही विवेचना करके और दोषी के बारे में। सर जैसे डीपी सीएम साहब ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, सामने बात आई है एक कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार के हस्तक्षेप कर रहे हैं इस मामले में, कोई बात सामने आई है इस बात की? बिल्कुल, सरकार और शासन से जुड़ा हुआ अधिकारी और मंत्री सभी इसको गंभीरता से ले रहे हैं और सभी ने इसको तेजी से जांच करके कार्रवाई करने के बारे में। वहीं चलिए आपको ये भी सुनवाते हैं कि महिला आयोग के सदस्य ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हालांकि उनको वायरल वीडियो की जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि वीडियो देखने के बाद में वो इस मामले का भी संज्ञान लेंगी। कोई महिला बोलने को तैयार नहीं, मैं तो सबसे पूछ रही हूँ कि बताओ तुम लोगों को क्या दिक्कत है, दवा बाहर से तो नहीं ला रहे हो, वो इसलिए कोई लिखित में देने को नहीं तैयार है, परिवार के इसलिए नहीं बोले उनको, मैम यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप हमें क्या बताओगे, पिछली बार तो हम ही एक मरीज को लदवा के पहुँचाए हैं, बार मर गया था पेट में बच्चा उसके, जैसे हम ही पहुँचाए हैं उसको। बड़े भी सामने में क्या आपने सोचा क्या करेंगे? नहीं नहीं, हमने देखिए मारपीट के मामले, मारपीट के मामले नहीं, मारपीट तो हमने भाई देखिए जो हमने समझाया है, हमने कोई लेटर अगर देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। लेबर रूम में कैमरा अलाउ नहीं होता है और आपत्तिजनक वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बाहर हम लोगों ने मना किया था कि कैमरा ना लेके आइए, उसको डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी ने भी संज्ञान में लिया है। आप मेरे को वो वीडियो ट्विटर पे हुआ है क्या? जी जी ट्वीट किया है, ट्वीट किया मंत्री जी ने। लेबर रूम से ऐसे वीडियो का वायरल होना वाकई एक चौंकाने वाली बात है और काफी गंभीर विषय भी है जिसके बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला लेना बहुत जरूरी है ताकि आगे किसी भी महिला को लेबर रूम में जाने पर अपनी निजता का कोई डर ना रहे। साथ ही डॉक्टर्स को भी समझने की जरूरत है कि अस्पताल कोई अखाड़ा नहीं है कि आप किसी भी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करके आपसी लड़ाई झगड़े में लग जाएं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।